ये देखिए काफ़ी ज़्यादा तेज पानी बह रहा है यहाँ से, तो कितनी ज़्यादा चौड़ी है भाई। यहाँ पर रील बनाने का तो मज़ा ही अलग होगा ब्रो, तो सामने मिल जाती है अपनी अडानी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो चलते हैं एक बार इसका फर्स्ट गियर चेक कर लेते हैं जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड गियर भाई 80 तक लगभग जा रहा, थर्ड गियर 110, बहुत सही ब्रो। जाने तक भी एक वाइब्रेशन आपको फील नहीं होता है, बिल्कुल ही वाइब्रेशन फ्री बाइक है यार। बाकी बाइक टॉप एंड ले जाने के लिए मेरी मिड रेंज चलने की काफी ज्यादा अच्छी है, आप इसमें 100 तक आज एकदम आराम से स्मूथली क्रूज कर सकते हैं इस बाइक को लेकर। फ्रंट ड्राइव ये मशीन है, स्मूथ गियर बॉक्स, अच्छा भाई खासा माइलेज। बात करें प्राइसिंग की तो लगभग 2,80,000 रुपये ऑन रोड पड़ती है कानपुर में, तो प्राइसिंग भी यार बुलेट के हिसाब से काफ़ी कंपेरिजन में ठीक ही है, लगभग बराबर है, पर बुलेट से काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इंजन मिल जाता है आपको इसमें, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता है इसमें। हाँ लगता है कि दूसरी का इंजन है, काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इशू भी आता है इसमें, आपको उतना कुछ ज़्यादा हीटिंग इशू नहीं आता है। और डुअल हॉर्न भी जाते हैं तो थोड़ा सा लो बजते हैं, बाकी ठीक से हैं, इतने दुखे नहीं है हॉर्न। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ राइड हार्ड।